कोई देख लेगा तो बेस्ती हो जाएगी यार हाँ मीट देम इन मैच अब इनकी हट हो जाती है ठीक है बेटा वो भी बोलेंगे मीट मीट यू इन तेरे को अपने नाम की स्पेलिंग तो चार बार गलत लिखता है तू <laughs> वहां पे हाँ अमोइबा चमिलियॉन पेरासियम माइटोकॉन्ड्रिया इनकी स्पेलिंग तू कहा लिख पाएगा तू इंजीनियरिंग वाला है भाई उन वर्ड से डर के ही तो तू यहां पर आया है हैं तो ज्यादा घमंड मत करना कि तुम्हारे पास मैथ्स है तो भाई उनके पास बायो भी है जिससे हम हम लोग डर के भागे थे वहां से भूलना मत हाँ <laughs> यहां जितना झुंड में हम लोग शेर बन रहे हैं हम वहां से भागे इसलिए थे क्योंकि हमें स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी हाँ <laughs> अब वो लोग यहां से इसलिए भागे थे क्योंकि उनको मैथ्स में वन प्लस वन टू नहीं समझ आ रहा था समझ मतलब याद नहीं हो रहा था यस आ आजा भाई सच बताना आप में से कितने सारे बच्चे वो हैं जो बायो में सिर्फ स्पेलिंग की वजह से नाम अजीब अजीब से थे उसके डर की वजह से बायो नहीं ली सच बता रहा ईमान क्योंकि मैं पर्सनली बायो ना लेने का मेरा रीजन यही था कि मेरे को भाई सब पांच छह वर्ड आठवीं क्लास से बायो में डर बैठ गया था पहली बार आया था अमोय ठीक है और हमारे मैम थी वो अलग ही वर्ड बोलती और वही मैंने सीख लिए वो चेमिलियॉन बोलती थी भाई दुनिया आज तक मेरा मजाक बनाती है होता होता मैं कहता है, होता है, क्योंकि एच आता है माइटोकरिया ये सीखा आपने स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी पेराजियम और एक और था वो पावर हाउस ऑफ था माइटोकरिया अजीब सा भाई साहब ऐसे करके यहां पर ऐसे एस ऐसे करना पड़ता था मैं कह ये तो रंगोली है मैडम रही आगे बायो मत लियो तू ठीक है हाँ यस हाँ भाई बड़ा डर लगता था नौवीं और दसवीं क्लास में ही डर बैठ गया था बायो में तो हाँ स्टोमाटा है ये कैसा नाम है यार हाँ यस क्लोरोफिल अच्छा वो तो केमिस्ट्री वालों का हो जाता था कुछ कुछ ऐसे ही रहता था हाँ पेनक्रियाटिक जूस बाइल जूस हाँ, पेट में एसिड डाल रहे हैं पता नहीं क्या क्या था फेगस <laughs> भाई नली बोल दो एन ए एल आई सबको समझ आ जाए इवन अंग्रेज़ भी बोलेगा नली yes. इजोफेगस क्यों रखा है भाई ए? इतने खतरनाक नाम हमारे बच्चे लॉ की स्पेलिंग में पॉ लिख देते इनको तुम बायो सिखा रहे हो आठवीं नौवीं में पहली चेक कर लो छठी में स्पेलिंग बोल लॉ की नहीं बोल पा रहा भाई तू इंजीनियरिंग में जा हम्म आ, बच्चे यहां पर लॉग स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हमारे इंजीनियर <laughs> आजा आ जाओ <laughs> भाई हाँ सीटोप्लाज्म यस सीटोप्लाज्म फोटोसिंथेसिस भैया इसमें फोटो सिंथ... फोटो तो लिख लेते हैं हम लोग तो सिंथेसिस में कित डबल एस आएंगे डबल आई आएंगे या एक एस आएगा चार आई आएंगे समझ ही नहीं आता मेरे को आज तक नहीं आता है सूडो पोडिया हाँ, हाँ। तो कितनी समझ मैं पोडिया और लगा दिया है ब्रोंकि <laughs> भाई साहब जो खौफ था उससे बढ़िया तो मैं फिजिक्स में मेरे को टीचर बोलते कुछ नहीं समझ आती फिजिक्स दुनिया नहीं समझ आती मैं एक्सेप्ट कर लूंगा हम्म आ जाओ हम्म ये सारे डरे हुए बच्चे हैं <laughs> नाम बता रहे अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम लोगों के साथ हल्का सा हंसी मजाक कर लिया सारे के सारे खूबड़ी में चढ़ जाते हमारे आ जाओ मैं हंसी मजाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नींद में हूं <laughs> अगर मैं थोड़ा सा बोरिंग हुआ ना तो तुम देखोगे टीचर ऐसे पढ़ा रहा है और ऐसे रुका पड़ा है कह राजवंश चल का है नहीं लैग मैं सो जाऊंगा भाई देखो बहुत ही नींद आ रही है <laughs> मैं इसलिए अपने आप को थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा हूं कि थोड़ी सी एनर्जी रहे गुस्सा मत होइएगा ठीक है पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर बेबर है हाँ हाँ यहाँ <laughs> ऐसे हो जाएगा भाई ठीक है